फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सबका आपके अपने चैनल रीना किचन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक और नई रेसिपी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं किचन में आज आपके लिए क्या खास रेसिपी हम लेके आए हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मशरूम की बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी की रेसिपी। और ये मशरूम जो इस तरीके से पैकिंग में आते हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं, तो पैकिंग के अंदर ये काफ़ी गंदे रहते हैं, इन्हें हमें साफ़ करना होता है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में कि हम इन मशरूम को किस तरीके से बहुत ही आसानी से बिल्कुल क्लीन कर लेंगे और तभी ये सब्जी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले मशरूम क्लीन करने हैं, तो उसके लिए मैं जो पैकिंग है ये कट कर लेती हूँ। ये देखिए, अब और अच्छे से आपको दिख गया होगा, काफ़ी इसमें डस्ट है लगी हुई। तो इस डस्ट को हमें किस तरह क्लीन करना है, यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसमें एक मुट्ठी गेहूं का आटा ले लिया है। एक मुट्ठी बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि वेस्ट होना है इसलिए हम थोड़ा सा ही लेंगे यहाँ पर। और अब इसमें जो मशरूम है हम इन्हें डालेंगे, जिस तरह मैं चार चार करके डाल रही हूँ, अच्छे से इसमें लपेट लेंगे आटे को। ये देखिए, इससे मशरूम एकदम क्लियर और क्लीन हो जाते हैं। इस तरह मैं और भी इसमें ऐड कर दूंगी। और जो फिलहाल इसके अंदर है, सभी मशरूम अच्छे से आटे से कोट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि आटा है तो बहुत ही आराम से निकल जाएगा। इस तरीके से मलते हुए हमें आटे को इस पे से निकालना है। हल्के बहुत ही आसानी से हो जाता है क्लीन, बस ऐसे मल लीजिए। तो जब आटा निकलेगा उसके साथ जो वो गंदगी थी, मिट्टी थी, वो सब भी एकदम क्लीन हो जाएगी। हमें इन्हें वॉश इस तरह करने के बाद ही करना है। तो मैंने एक एक को क्लीन करके रखती जाती हूँ एक प्लेट में। ये देखिए, जो मशरूम हैं वो अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अभी ये धोए नहीं हैं, सिर्फ मैंने आटे से क्लीन करे हैं। और जो आटा है वो देखिए वो कितना गंदा हो चुका है, क्योंकि मशरूम की जो गंदी वाली परत होती है वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो इसमें आ चुकी है, इस आटे को हमें कोई यूज़ नहीं करना, इसे हम ये वेस्ट है। और मशरूम को अभी पानी में साफ़ करके धोते हैं। ये देखिए, मशरूम वॉश हो गए हैं, तो मशरूम एकदम क्लियर क्लीन हो गए हैं। कितने गंदे थे, बिल्कुल इजीली साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गई मशरूम की बात, मशरूम अच्छे से हमने धो के साफ़ करके एकदम क्लीन कर दिए हैं। और इन्हें मैं कट करने वाली हूँ नॉर्मल पीसेज में, मतलब कि इस तरीके से ही हम इसे कट कर लेंगे। आप इसे और भी छोटे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इन्हें इस तरीके से कट कर दूँगी। तो सभी जो हैं मशरूम, उन्हें सेम इसी प्रोसेस के साथ हम कट करने वाले हैं। तो ये तो मशरूम इस तरीके से कट करेंगे। इसके बाद हमें जो तैयारी करनी है वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ काजू, जो कि पानी के अंदर डिप कर रखे हैं, भिगा रखे हैं, जिससे कि काजू जो है भीगने के बाद बहुत इजीली पिस जाते हैं। क्योंकि ये जो रेसिपी मैं मशरूम के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मुगलई रेसिपी है मशरूम की, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी के लिए हमें काजू की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें रिचनेस होती है, टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर मैंने पानी भिगा है, तो जिसकी वजह से मैं इसे पीस के एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो चलिए सबसे पहले इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो काजू का जो पेस्ट है वो पीस के तैयार हो गया है। अब उसे हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। ये आ गया यहाँ पर काजू का पेस्ट। और इसके बाद हमें जो तैयार करना है वो है, और अब फिर से मैं यहाँ पर पीसने वाली हूँ लहसुन, हरी मिर्च और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा, जिसका हम यहाँ पर पेस्ट तैयार करेंगे। तो चलिए अदरक लहसुन का भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पिस चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने चॉप नहीं पेस्ट बनाया है। चॉप के लिए मैं चॉपर का यूज़ करती, लेकिन मुझे इसका पेस्ट चाहिए था। तो अब चलते हैं फाइनली सब्जी। तो यहाँ पर हमने सब्जी बनाने के लिए रख ली है कढ़ाई, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा ऑयल। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल का। और जैसे तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से खड़े मसाले, जैसे कि दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में।
और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं तेज पत्ता भी साथ में। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप प्याज। ये हमने दो मीडियम साइज की प्याज हैं जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है, पेस्ट नहीं बनाया है। तो यहाँ पर मैं पहले प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, उसके बाद ही अदरक लहसुन का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम तेल में डालते हैं तो वो पेस्ट हमने तैयार कराया है थोड़ा सा पानी ऐड करके, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शोर भी मचाता पेस्ट और आपको चोट भी लग सकती है। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि पहले आप प्याज डाल लीजिए ऑयल में, उसके बाद हम अदरक लहसुन के पेस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने प्याज ली है चॉप, ये मुगलाई सब्जी है, इसमें पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चॉप का जो फ्लेवर आएगा वो बहुत अच्छा आता है। तो जैसे कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, अब इसके अंदर हम ये जो अदरक लहसुन का हमने पेस्ट तैयार करा है, साथ में हमने चार हरी मिर्च भी इसमें पीसी है, तो हरी मिर्च काटने की जगह पीस ली है हमने इसमें। और अब इन सभी चीज़ों को एक साथ, प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती जब तक, बिल्कुल पक नहीं जाती तब तक इन्हें हमें फ्राई करना है। देखिए प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी हैं, और जैसे कि अदरक लहसुन है वो भी इसका अच्छे से भुन चुका है। जब अदरक लहसुन पेस्ट जाता है तो वो कढ़ाई में चिपकना शुरू हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा लास्ट टाइम पे चलाना ज़रूरी है जिससे कि वो जले नहीं। और अब इसमें जाएगा यहाँ पर 2 चम्मच बेसन, ये बेसन है, कच्चा ही बेसन है, भुना हुआ बेसन नहीं है, इसे हम यहीं पर भूनेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें 2 चम्मच के करीब बेसन यूज़ कर रही हूँ, और बेसन को अब हमें प्याज के साथ भूनना है। पहले अच्छे से बेसन भी भुन जाना चाहिए। लीजिए, तो प्याज के साथ जो बेसन डाला था वो भी अच्छे से भुन गया है, उसकी भी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और अब इसे हमें डालना है इसके अंदर कड़, यानी कि दही। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे जिससे कि दही फटे नहीं, और दही डालते के साथ ही हम इसे तुरंत चलाएंगे। 2 चम्मच बेसन है तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच दही का यूज़ करूँगी, और इसे कंटिन्यू चलाना है। तो यहाँ पर दही अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हमें ऐड करने हैं मसाले, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि मैं 1 चम्मच बड़ी वाली डालने वाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। और तीखी करने के लिए हमने ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च डाली है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच, और इन्हें पहले मिक्स कर लेते हैं। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, और थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला इसमें। अब इसमें हमें डालनी है टमाटर की प्योरी। जी हाँ, प्याज का यहाँ पे पेस्ट नहीं था, लेकिन टमाटर की हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं प्योरी। और मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। और अब इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। टमाटर की प्योरी इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जिससे कि मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए और जो थोड़ा सा तेल इसका है वो थोड़ा अलग छोड़ दे। तो चलिए पहले इस मसाले को अच्छे से तैयार करेंगे। आइए तो चेक कर लेते हैं टमाटर के पेस्ट को। ये अच्छे से भुन चुका है, तो मैं यहाँ पर इस टाइम इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, काफ़ी गाढ़ा है। पेस्ट को पतला करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक, क्योंकि अभी तक यहाँ पर नमक नहीं गया है, तो हम यहाँ नमक का फ्लेवर भी ऐड कर देते हैं टेस्ट यानी कि स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी हरी मटर और 1 शिमला मिर्च लंबी बारीक कटी हुई। इन दोनों चीज़ों को मसाले में मिक्स कर लेंगे।
मशरूम को हमें सबसे लास्ट में डालना होता है क्योंकि मशरूम बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी गल जाता है, समय नहीं लगता उसे पकने में। तो यहाँ पर इसलिए हमने मटर और ये शिमला मिर्च पहले डाल दिए हैं जिसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उसे तो हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है। और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी काजू का पेस्ट, जो यहाँ पर हमने काजू का पेस्ट स्टार्टिंग में सबसे पहले पीसा था, तो वो काजू का पेस्ट अब यहाँ पर जाएगा जिससे कि ये जो सब्जी है ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। हर सब्जी का एक टेस्ट फ्लेवर अलग होता है, जब आप मुगलई खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी मशरूम की सब्जी मुगलई स्टाइल में, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा बैटर बन गया है। इसमें हमने बेसन भी भून के डाला है और बेसन की वजह से जैसे आप उसे पकाते रहेंगे बेसन को, वो गाढ़ा ग्रेवी को गाढ़ा करता चला जाता है, तो ये भी इस टाइम पे बहुत गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पे काजू डालने के बाद हम थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। तो ये काजू मिक्स कर दिया हमने अच्छे से और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, यानी कि जितनी भी आपको इसमें ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग। तो मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमने इसमें पानी डाल दिया है लगभग आधे बाउल के करीब और अब इसे हम कर देते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसे हमें ढक के पकाना है जिससे कि मटर जो है और शिमला मिर्च थोड़ी सी पक जाए अच्छे से। तो यहाँ पर ये मिक्स हो गया है और अब इसे मैं कर देती हूँ कवर पकने के लिए। नमक वगैरह मिर्च सब कुछ इसमें मसाले जा चुके हैं, तो यहाँ पर ये हो गया कवर और इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, थोड़ी सी मटर सॉफ्ट हो जाए, तो उसके लिए हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे। अभी सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं तो थोड़े बहुत टमाटर सॉफ्ट हो गए होंगे, हम यहाँ पे इसे बीच में चला लेते हैं एक बार। इसे हमें जल्दी ही ढक्कन को हटा के चलाना है क्योंकि इसमें हमने डाला है लास्ट में काजू जिसे पकने में टाइम लगता है और वो जो काजू है नीचे चिपकना शुरू हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि आपकी सब्जी जल जाए। तो इसे जल्दी ही हटा के ढक्कन को आप 1 से 2 बार इसे चला लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर हो चुका है थोड़ा टाइम, शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गए हैं और मटर भी हल्की सी, तो मैं यहाँ लास्ट में डाल देती हूँ जो हमने मशरूम कट करे हैं। मशरूम को अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी में। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी एकदम लिप्टम बनी है सब्जी, क्योंकि जब ये सब्जी थोड़ी सी मसालेदार लिप्टम होती है तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसको एकदम सूखी ड्राई भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे और पतली करके ग्रेवी भी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से मीडियम साइज़ की ग्रेवी तैयार करी है, ना ही ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा पतली। तो ये देखिए अब इसमें चला गया है मशरूम, तो हम एक बार और इसे कर देंगे कवर और बस तैयार है हमारी मशरूम की मुगलई सब्जी। आइए तो यहाँ पर मशरूम की सब्जी चेक कर लेते हैं। ये देखिए जैसे हमने मशरूम इसके अंदर ऐड करा है तो उसके बाद ये और थोड़ी पतली हो गई है, क्योंकि मशरूम ने अपना पानी छोड़ा है तो जिसकी वजह से ग्रेवी थोड़ी पतली हो गई है। और अब यहाँ पर हम इसमें 2 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ऐड करेंगे। अब तो यहाँ तक जो ये मशरूम की सब्जी तैयार हुई है ये है नॉर्मल वाली, और अब इसमें हम जो 2 चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये बन जाएगी रेस्टोरेंट वाला टेस्ट फ्लेवर बहुत ही बेस्ट। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं डालना। अब इसमें जाएगी आधी छोटी चम्मच चीनी जो कि सब्जी को मीठा नहीं करेगी लेकिन इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा कर देगी। और जो दूसरी चीज़ है वो है यहाँ पर ये बटर, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अमूल का बटर। अमूल का बटर हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे बटर को। ये देखिए लीजिए तैयार है मशरूम की ग्रेवी वाली बहुत ही टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी। अब यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम तैयार बंद कर देती हूँ और इसमें एंड में हम डाल देते हैं हरा धनिया जो कि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर ले आएगा, और इसे भी मिक्स करेंगे और बस आपको करके दिखाते हैं मशरूम की मुगलई बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी की प्लेटिंग। लीजिए दोस्तों बन चुकी है मशरूम की बहुत ही लाजवाब सी नवाबी रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी है। बनाने का प्रोसेस जो हमने आपको दिखाया, ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी रिच है, इसमें बटर गया है, इसमें दही गई है, इसमें बहुत सारे काजू का पेस्ट गया है, तो ऑब्वियसली ये रिच सब्जी है। पर हमने आपको बिल्कुल वही रेसिपी शेयर करी है
जो रेस्टोरेंट में ये रेसिपी बनाई जाती है, जिस अंदाज में बनाई जाती है, इस रेसिपी को आप एक बार घर पे भी ट्राई कीजिएगा। आपके कोई भी गेस्ट आए, आपका कुछ स्पेशल खाने का मन करे, तो आप उस टाइम उस स्पेशल ओकेशन पे इस मशरूम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मशरूम की नवाबी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ रीना किचन पॉइंट में। बाय बाय।